हेलो भाई, लेकर के मैं आई हूँ आज आपके लिए बेबी पोटैटो। तो देखिए कितना बढ़िया से बनता है हमारा बेबी पोटैटो। अभी सीजन है नए आलू की, नए पोटैटोज़ की। तो देखिए आप इस तरीके से बनाइए, खाइए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए, और कैसी लगी एक बार बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि बेबी पोटैटोज़ आपको पसंद आई या नहीं। तो देखिए इस तरीके से जो पसंद नहीं भी करते हैं वो भी खाना मांगेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने बॉयल कर लिया है आलूओं को और अच्छी तरीके से रख लिया है। और ये देखिए पैन गर्म किया, पैन गर्म करके उसे मेथी, जीरा और थोड़ी सी सरसों की दाना डाल करके अच्छी तरीके से उसको सोटे कर लिया। सोटे करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और पेस्ट डाल करके फ्राई कर रही हूँ। जब हमारे पोटैटोज फ्राई हो गए हैं उसके बाद मैंने उसमें टमाटर का पेस्ट डाला है। देखिए इस तरीके से पोटैटोज़ को आप फोक की मदद से, चाकू की मदद से इस तरीके से आप उसको छेद कर लेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो मसाले इसमें अच्छी तरीके से सोख कर जाए अंदर तक, और इसका टेस्ट दुगना हो करके आता है। तो इसी तरीके से आप भी बनाएं। जब तक हमारा सोटे हो रहा था, देखिए मैंने सोटे कर रही हूँ, और पोटैटोज़ भी मैंने फोक की मदद से अच्छी तरीके से सारे पोटैटो को अच्छी तरीके से छेद कर लिया है। और इसमें मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, आप चाहो तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हो, इससे इसका कलर बहुत बढ़िया सा आता है। और ये हमारा जीरा पाउडर, और इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर साथ में मिक्स करके पीसा था, इसलिए अलग से नहीं डाला है, आप अलग से भी डाल सकते हो। नमक गया इसमें स्वादानुसार। और बस ये देखिए बॉयल के आलूओं को मैंने इसमें डाल दिया। पानी डालने के बाद झटपट से बन के तैयार होती है, बहुत टेस्टी होती है। इस तरीके से आप बनाइए, खाइए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इस रेसिपी को शेयर कीजिए। और इसमें मैंने धनिया की पत्तियाँ, एक छोटी सी साइज की टमाटर और ग्रीन चिली को अच्छे से चॉप कर लिया, और इसमें लास्ट मोमेंट में डालना है, इससे इसका स्वाद ज़बरदस्त आता है। आप अगर खट्टा पसंद करते हो तो, नहीं पसंद करते हो तो स्किप कर सकते हो। देखिए बनकर हमारा तैयार हो गया बेबी कॉर्न, सॉरी बेबी कॉर्न नहीं, बेबी पोटैटोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।